ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 23 नवम्बर 2020। सोमवार का दिन है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आंवला नवमी का महापर्व इसी दिन मनाया जाएगा। आंवला वृक्ष का पूजन अर्चन किया जाता है तथा आंवले के नीचे बैठ करके भोजन भी इस दिन ग्रहण किया जाता है। शतभिषा नामक नक्षत्र होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में होंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग या कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर राहुकाल माना जाता है और कई जगह राहुकाल नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, वहीं चंद्रमा की यदि बात करें तो वो कुंभ राशि में होंगे। मंगल ग्रह मीन राशि में, बुध तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह और कन्या, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभ प्रसिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ इनको कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति का भी अवसर प्राप्त होगा तथा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी इनको प्राप्त होने वाली है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आप अपनी प्रतिभा व ऊर्जा द्वारा हर चुनौती को स्वीकार करेंगे। रचनात्मक कार्यों को करके आप आगे बढ़ेंगे। विशेष करके बाहर और घर में दोनों जगह आपका माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थियों को मन की इच्छा के अनुसार उत्तम फल प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में आपकी जरूरतें पूरी हो जाएगी। दोस्तों या रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार की उम्मीद बिल्कुल न करें। जो करना है आपको खुद को ही करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप इलायची भोजन के बाद खाएंगे तो आपका दिन सुफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। मानसिक और आत्मिक सुख शांति का आप अनुभव करेंगे। मन की इच्छाओं के अनुसार आपके कार्य पूरे हो जाएंगे, जिससे आपके घर परिवार में खुशी का माहौल निर्मित होगा। यदि आप स्वयं का विकास करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा जो है लचीलापन रखना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन भी आपको महसूस होगा। और उपाय के रूप में यदि शंकर भगवान के मंदिर में चावल चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज किसी दीर्घकालिक लाभ की योजनाओं पर कार्य शुरू हो सकता है। कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना एक चुनौती रहेगी, परंतु आप सब कुछ सुनियोजित तरीके से कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस दरमियान आपको मनोनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे, परंतु ध्यान रखें कि अनजान व्यक्ति पर अधिक भरोसा न करें, अन्यथा आपको परेशानियां उत्पन्न हो सकती है तथा व्यापार व्यवसाय और अपने कार्य पर आपको गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन सुफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग जो कि हरा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। घर में किसी मांगलिक प्रसंग या शुभ आयोजन की योजना बनेगी। आप अपनी बुद्धि बल द्वारा तथा अपनी चतुराई के द्वारा कई कार्य तुरंत निपटाने में सक्षम रहेंगे। पिछले काफी समय से चल रही चिंता का कोई न कोई समाधान आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने मन में मानसिक शांति अनुभव करेंगे। अपने ही कुछ नज़दीकी लोग बनते कार्यों में रुकावट या अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिश्री चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। समय की गति आपके पक्ष में है। भविष्य की योजनाओं को लेकर पिछली नीतियों पर चलना ही उचित रहेगा। काम की व्यस्तता के अलावा परिवार व दोस्तों के बीच मौज मस्ती तथा घूमने फिरने में आपका समय व्यतीत होगा। सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ अजीब सा बदलाव आप महसूस करेंगे। कभी कभी आपके मन में परिवर्तनकारी स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि किसी के साथ विवाद न करें तथा धैर्य तथा शांति बनाए रखें। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में हल्दी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। वर्तमान दिन आपके लिए सम्मान सूचक रहेगा। आपके कार्यों की तारीफ होगी तथा आपकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। संपर्कों का दायरा भी आपका बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से चली आ रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा आपकी देनदारियां भी लगभग कम होती जाएगी। आपको संयम और धैर्य से काम करना चाहिए। उपाय के रूप में गाय को हरी सब्जी या हरी घास खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपके आसपास का वातावरण सुखद रहेगा। रुके हुए अटके हुए कार्य पूरे करने के लिए समय और दिन उत्तम है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बनाएगा। अपने परिजनों के साथ बैठ करके अपने सुख तथा दुख की बातों को आप साझा करेंगे। अगर आप अपने कार्य में किसी अनजान व्यक्ति को इन्वॉल्व करते हैं तो कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। और घर में यदा कदा छोटी मोटी बातों को लेकर के विवाद या बहस जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय घटना या अशुभ समाचार मिलने से मन आपका जो है दुखी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में हर काम को बड़ी संजीदगी व गंभीरता से आपको लेना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही के परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में जो निर्णय आप करने जा रहे हैं बड़ी गंभीरतापूर्वक आपको करना चाहिए। नई नौकरी नए व्यापार के सिलसिले में आप कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। घर परिवार से संबंधित भी कुछ नए काम की आप योजना बना सकते हैं। उपाय के रूप में घर के मंदिर में यदि आप कच्चे दूध का भोग शक्कर डाल करके लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। और आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी तथा परिजनों की ओर से चल रही कोई चिंता भी समाप्त हो जाएगी। स्वयं को ऊर्जा तथा साहस से परिपूर्ण आप महसूस करेंगे। युवा वर्ग को किसी विशेष परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी और नौकरी आदि के कार्यों में भी उनको सफलता मिलने वाली है। निकट संबंधियों से चर्चा करते समय मर्यादा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगी और कोई जो विवाद यदि चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से वह समाप्त हो जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज समय सामान्य फलदायक है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। कोशिश करने पर मन चाहे कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे, परंतु बहुत ज़्यादा आपको जो है किसी काम में ज़्यादा अति नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। ज़्यादा यदि आप काम करेंगे तो मेहनत और थकावट आपको ज़्यादा महसूस होगी। उपाय के रूप में यदि आप लाल कुमकुम का तिलक लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। ज्ञानवर्धक दिन आपके लिए व्यतीत होगा क्योंकि नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और आप बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। अपनी क्षमताओं को करियर, आध्यात्म और धर्म के प्रगति में अच्छी तरह इस्तेमाल करने में सक्षम रहेंगे। आपकी संवेदनशीलता समाज में आपको एक नई पहचान प्रदान करेगी। लोग आपको पसंद करेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में हो जाएगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने घर परिवार को पूरा समय देंगे। किसी मित्र या रिश्तेदार के प्रति गलत फहमी भी समाप्त होगी। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करें, अवश्य ही आप सफल हो जाएंगे। ध्यान रखें कि क्रोध व आवेश में आकर अपना बना बनाया काम आप बिगाड़ सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के व्यवहार से आपको बचना चाहिए। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। भौतिक सुख सुविधाओं में आपको वृद्धि होगी तथा समान विचारधारा वाले लोगों से आपका संपर्क होगा। आपके किसी खास हुनर या नॉलेज की तारीफ होगी। लोग आपको पसंद करेंगे। धन प्राप्ति के भी उत्तम अवसर आपको मिलने वाले हैं। उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को यदि आप कोई भी पीले रंग का फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।